हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस और थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं ठीक है लेट्स रिवाइंड द क्लॉक बात है 2016 की जब रोनाल्डो बैलेंडोर जीता था अपना फोर्थ जीता था उस टाइम पे 2016 में और उससे पूछा कि कौन कौन बैलेंडोर जीत सकते हैं फ्यूचर में तो उसने पांच नाम लिए थे डिपाय और ओडिगार्ड दो नाम थे जो ऑब्वियसली थोड़ी बोल्ड पिक्स थी बट अदर थ्री पिक्स थी नेमार हैज़ार्ड एंड पोकबा जो बहुत यू you नो know, लग रहा था कि वेरी रियलिस्टिक पिक्स है बिकॉज दोज थ्री वर द टॉप थ्री नेक्स्ट बिग थिंग्स इन द वर्ल्ड और उनका टैलेंट लेवल देख के यू जस्ट फील इट कि दे विल टेक द गेम फॉरवर्ड और वो लीड करेंगे वर्ल्ड फुटबॉल को बट हैजार्ड इज रिटायर्ड इज uh, इंजर्ड uh, उसकी एसीएल जा चुकी है ही इज मोस्ट प्रोबेबली डन विद द टॉप लेवल फुटबॉल और वो सऊदी में खेलने वाला है एंड हैज टेस्टेड पॉजिटिव इन डोपिंग टेस्ट जिसमें पता लगा कि उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ही विल बी बैंड फॉर फोर ईयर और ये सेंटेंस ऐसा नहीं कि आज की डेट से अगले चार साल तक है जब से ट्रायल स्टार्ट हुआ है तो काइंड kind ऑफ of अब तीन साल रह गए काइंड ऑफ और Pogba ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया कि वो अपील करेगा इसको एंड स्ट्रेंथ टू हिम और uh, होप सो कि वो करे और सेंटेंस थोड़ा कम हो जाए जो बैन की टर्म है वो कम हो जाए या फिर बिल्कुल ओवरटर्न हो जाए डिसीजन एंड ही कैन प्ले एंड कंटिन्यू प्लेइंग फुटबॉल और मैं चाहूंगा कि वो सब हो बिकॉज ही डिजर्व इट कोई भी फुटबॉल प्लेयर जिसने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ फुटबॉल खेला है उससे एकदम से ऐसे गेम छीन लेना इट्स वेरी क्रूअल इन माई ओपिनियन और मैं नहीं मानता कि उसको पता था वो खा रहा है वो चीज़ और उसने तब भी खाई जस्ट टू यू नो क्योंकि उसको एनहांस करनी थी उसकी परफॉर्मेंस बिकॉज uh, फुटबॉल में आपको पता है कि डोपिंग टेस्ट बहुत फ्रीक्वेंटली होती है कोई भी प्लेयर इतना फूलिश नहीं कि वो जानबूझ के ये करे एक मिस्टेक थी और ऑब्वियसली छः महीना एक साल जो हो भी चुका है अब बहुत टाइम हो गया भाई लेट हिम रिटर्न टू द गेम बट अगर नहीं होता इन केस डिसीजन रिटर्न नहीं होता है वट हैपन टू दिस गाय भाई वट दल्प हैप्पन टू हिम बिकॉज अगर आप उसका देखोगे पूरा करियर उसके पूरी करियर चॉइस देखोगे his rise, his fall, तो एक बहुत चीज सबसे बड़ी चीज़ जो रिफ्लेक्ट होती है इज दैट दैट बॉय इज इमोशनल भाई उसने सारे डिसीजन जो अपने फुटबॉलिंग टर्म्स वाले लिए हैं कि कहाँ जाना है कैसे खेलना है इज अ वेरी इमोशनल इज अ वेरी एक्सप्रेसिव गाय और जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उसको बैक नहीं किया और उन्होंने बेच दिया उसको जो फ्री में गया था बेचा तो क्या ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन इटली भाई और उसने चैंपियन लग फाइनल भी खेला ऑब्वियसली चैम्पियन लीग अगर वो जीतता तो उसकी करियर की लगे और बूस्ट होती पर लेट्स नॉट टॉक अब दिस करियर बिकॉज एक रिटायर वीडियो नहीं हमारे को नहीं पा रिटायर हो भी रहा है कि नहीं तो सेपरेट टॉपिक के लिए रखते हैं अगेन जब वो फिर यूवेंटर से उसको मूव मेक करना था रियाल मड्रिज जा सकता था वो बार्सलोना जा सकता था और भी क्लब्स इंटरेस्टेड होते इन अ टफ मूवमेंट और उसने वो चैलेंज दिया दिस शोज की वो इमोशनल बंदा है उसको प्यार चेल होगा वो उसी क्लब में गया जहाँ से वो आया था काइंड ऑफ ठीक है और यूनाइटेड में कुछ अच्छा नहीं गया टीम को उसके राउंड बिल्ड नहीं कर, करा गया uh, मेरे को नहीं आज उसके टाइम इन यूनाइटेड एक और अच्छा मिडफील्डर साइन किया उसके पूरे टेनिओंर में ब्रूनो आया बट वो बहुत लेट आया था उसके

तो यूनाइटेड का मूव मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया बट उसके बाद आता है आपका वर्ल्ड कप 2018 में और आप ग्रुप स्टेज देखोगे तो पकबबा अच्छा नहीं कर रहा था मतलब ठीक था डिसेंट था बट फ्रांसिस जनरल भी इतने अच्छे नहीं थे बट जैसे ही नॉकआउट स्टेज शुरू हुए भाई पोगबा वेंट मैड दैट गाइ जस्ट वेंट क्रेजी भाई पागल हो गया ही वॉज ड्रॉपिंग एट ऑन टेन सेवन ऑन टेन परफॉर्मेंस ऑल द टाइम सारे नॉक आउट स्टेजेस में अगेंस्ट उरुगए ही वॉज गुड अगेंस्ट अर्जेंटीना ही वॉज गुड बेल्जियम के अगेंस्ट वो डिसेंट था फाइनल में तो ही वॉज वे टू गुड और उसने गोल भी स्कोर किया और वर्ल्ड कप वो जीती भी फ्रांस एंड ही वॉज द लॉकर रूम लीडर ऑफ इट लोरीज कैप्टन था ऑब्वियसली बट Pogba was the Let's be real. Llorisko, आपको है नहीं इज़ दैट बिग फिगर इन दैट लॉकर रूम और जब उसके बाद वो यूनाइटेड रिटर्न किया एंड डिसाइडेड टू स्टे दैट वॉज द सिंगल मोस्ट डिस्ट्रक्टिव थिंग इन करियर एंड वेन यूनाइटेड पिग्ड हिम ओवर मोरिनियो वो सबसे बड़ा गंदा इगो बूस्ट था जिसके बाद पोकबा जस्ट टर्न बाई की उसके बाद तो उसके बाद अगर आप इतनी ईगो सेटिस्फाई कर दो किसी बंदे की यू कांट एक्सपेक्ट हिम कि वो वापस आ जाए अपने यू नो हम्बल फेज में ऐसा हो ही नहीं सकता एंड व्हेन दैट वाज गोन भाई उसके बाद ही वेंट फ्रॉम बीइंग अ पोटेंशियल बैलेंड और विनर टू जस्ट अनदर गाय उसकी फिटनेस अच्छी नहीं थी ओले गर सोल्सकार ने उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया ही वॉज नेवर परफॉर्मिंग वेल जब वो खेल भी रहा था ऑन हिस डे मर्चेंट के रह गया वो कि ऑब्वियसली ही विल ड्रॉप अ गुड परफॉर्मेंस हेयर देयर बट कंसिस्टेंसी की बात करें तो ही लैकड दैट और उसके बाद भी पी एक मूव अवेलेबल था जब उसने फाइनली यूनाइटेड लीव की तो पी और यूनटस में से उसको पिक करना था पी एच डी वॉज द मूव बाई इन माई ओपिनियन उस टाइम भी उस टाइम मैसी था नेमार था एंड था उनके पास एक मिडफील्ड में काइंड ऑफ क्रिएटिव एस्पेक्ट वो लैक कर रहे थे फिजिकलिटी लैक कर रहे थे वैराटी के साथ कोई सीरियस मिडफील्डर था नहीं और वो अगर पी जाता उस टाइम तो वो सीरियसली कंटेंट कर सकते थे चैम्पियंस लीग के लिए बट अगेन ही डिसाइडेड टू मूव बैक टू यूवेंटस अगेन एन इमोशनल मूव क्योंकि यूवेंटस अच्छा कर नहीं रही थी और उसके

प्रोफेशनली वो ना ट्रेन कर सकता है ना वो कैंप्स लगा सकता है तो तीन साल एक बहुत बड़ा टाइम है नॉर्मल लाइफ में तीन साल कुछ भी नहीं है एक एथलीट की लाइफ में तीन साल इज अ होल यू नो जनरेशन काइंड ऑफ क्योंकि एक टॉप पे उसकी फिजिकल बॉडी उसकी पीक वही होती है तीन चार साल की तो या इट्स अ सैड साइड और ऐसे भी नहीं बोल सकते ही हैज़ बीन अ कंप्लीट फेलियर ऑब्वियसली उसने अपना पोटेंशियल फुलफिल नहीं किया बट दैट गाय हैव मेनी लीग टाइटल्स विद जुवेंटर्स और उसने यूनाइटेड के साथ भी इक्का दुक्का ट्रॉफी जीते हैं लीग वगैरह और ही हैज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉफी द स्पोर्ट हैज टू ऑफर वर्ल्ड कप वाइल बींग वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ इस टीम तो कंप्लीट फेलियर तो नहीं है ही ही इज गुड डिड वेल फॉर हिमसेल्फ ओवरऑल अगर वर्ल्ड फुटबॉल में अगर वो लेजेंड कंसीडर ना भी हो ही अ फ्रेंच लेजेंड और मच रिस्पेक्ट टू हिम तो आप मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताना कि वेदर ही हैड यू नो अ पोटेंशियल जो उसने फुलफिल नहीं किया वॉज ओवर एटेड फ्रॉम द स्टार्ट तो दैट्स इट फ्रॉम मी टू डे गाइज मेक श्योर यू लाइक द वीडियो यहां पे चैनल का नाम फ्लैश हो रहेगा मेक श्योर यू सब्सक्राइब और यहां पे कोई वीडियो फ्लैश हो रही होगी मेरे को नहीं पता क्या है तो उसको भी देख लेना एंड या दैट्स इट आई सीन अ नेक्स्ट वन पीस आउट